दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह को और हमारा क्रिसमस हॉलीडेज हो गया था, इसलिए पापा हमें एक जगह को घूमने के लिए ले रहे हैं और उस जगह का नाम हम बाद में बताने वाले हैं पहुंचने के बाद। तो चलिए हमारे साथ। तो गोहंतारा को पहुंचने के लिए 29 किलोमीटर और 50 मिनट लगने वाले है, तो हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो हम लोग ने अपना जर्नी 9 o'clock से शुरू किया, और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग गोहंतारा के पास हो गए हैं और 900 मीटर्स पहुंचने के लिए, तो चलिए। और 0.4 किलोमीटर। In 600 meters, you will arrive at your destination. Yes, we are arriving our destination. हम लोग गोहंतारा पहुंच गए हैं, अभी हम लोग पार्किंग के लिए जा रहे हैं। Recording complete. तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। गाड़ी पार्क कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग गोहंतारा पहुँच गए हैं और हम लोगों ने अपना गाड़ी पार्किंग कर ली है और अभी हम लोग एंट्री करने के लिए चल रहे हैं। चलिए। तो ये है मेन गेट। तो हम लोग वहां पर टिकट करने के लिए आयो। ये गुम्फा शायद 1/2 किलोमीटर होगा, पूरा मिट्टी से बना हुआ है। तो एग्जिट आ गया, यहाँ पर यहाँ से जाओ तो एमपी थिएटर, यहाँ से गार्डन। तो हम लोग एमपी थिएटर की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ एमपी थिएटर दिख रहा है, अगर बाहर जाते तो गार्डन देखते। तो हम लोग आगे से बाहर निकल गए हैं और सामने एमपी थिएटर लिखा है। तो चलिए, इस तरफ एमपी थिएटर और उस तरफ टिकट काउंटर एक्टिविटी एरिया इस तरफ। तो अभी हम लोग एमपी थिएटर को जा रहे हैं। तो ये और ये मंदिर की तरह हुआ है और ये है एमपी थिएटर। आगे पानी से झरना हो रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टिकट दिखाना है, तो ये है वेलकम ड्रिंक। ठीक, ये किस तरह का वेलकम ड्रिंक? ये तो टाइम है। वाह, अच्छा वेलकम ड्रिंक दिया है। मम्मी टेस्ट कैसा है? अच्छा है, चलेगा ओनली। तो ये है टुडेज प्रोग्राम। तो इस जगह पर रेन डांस होगा 2:40 में। लंच खाने के बाद हम लोग आएंगे, आप लोग देखिएगे। ठीक है, तो चलिए। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट खाने के लिए सारा दिखाता है कौन कौन से टाइम में हम लोग क्या एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर फूड काउंटर है, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने फूड कूपन नहीं किया था, तो अभी सब लोग जाके ब्रेकफास्ट करें। जिन लोगों ने फूड के लिए कूपन बनाया है, हम लोगों ने नहीं बनाया, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं एक्टिविटी एरिया को। तो चलिए, तो हम लोग अभी एक्टिविटी एरिया को जा रहे हैं।
तो चलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक्टिविटी के लिए। तो सारा इंडोर एक्टिविटीज है यहाँ, कैरम, वहाँ टेबल टेनिस, यहाँ पर फुटबॉल, बाहर आउटडोर एक्टिविटी है, जिप लाइन सारा वगैरह वगैरह है। तो हम लोग चलिए करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जिप लाइन है और वहाँ कुछ स्विंग्स है, कुछ खेलने के लिए यहाँ साइकिल रेड्स हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। छोटे बच्चे खेलने के लिए यहाँ पर एक है, वहाँ पर भी है पर बंद है शायद। और इस तरफ सारा ऐसे का कंप्यूटर गेम्स है खेलने के लिए। पहले देखा ये सबसे छोटा बच्चा यही है। ये फ्री एक्टिविटी सबसे छोटा बच्चा। मोबाइल रख ले तो बस हो गया। ये हर्ष है, ये हर्ष आपको ऐसे ऐसे लेगा, ऐसे घुमा के चारे और ऐसे एक राउंड मार के आएगा। देखते ये है मोटो, यहाँ पे आप ऐसे चार राउंड ऐसे मार सकते हैं। उसका चार राउंड हो गया गाड़ी यहाँ पे, तो इसके लिए आपको 200 देना पड़ेगा। सकते ये घोड़ा है एंड उसके ऊपर हम बैठ के यहाँ पे घूमेंगे। हॉर्स राइडिंग करना है वो उसका जो मेन मास्टर है उसको बैठ कर यहाँ। हमारा बच्चे लोग यहाँ पे देखो कितना आनंद ले रहे हैं। मास्टर आया है या नहीं? आएगा। ये देखे बच्चे लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। आकर्षिता स्लो चलाओ। बच्चे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे, गेम कर रहे उसका। बाइक रेस करने के बाद अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। लंच करने के बाद रेन डांस के लिए जाएंगे। तो एक्टिविटी एरिया से लेफ्ट लेने के बाद यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया है, लोग रेन डांस कर रहे हैं। तो हम लोगों को लंच खाना है, लंच खाने के बाद हम लोग रेन डांस करेंगे। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल
तो नीचे स्विमिंग पूल है, तो चलिए देखते हैं। कहाँ है, कौन है? तो देखिए यहाँ पर स्विमिंग पूल है, यहाँ पर सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं और यहाँ पर चेंजिंग रूम है। तो अभी हम लोगों को जोरों की भूख लग रही है और इसलिए हम लोगों ने सोचा खाने के बाद स्विमिंग पूल और रेन डांस के लिए जाएंगे। इस तरफ जाएंगे तो स्पा होगा और यहाँ पर रेन डांस होगा। लंच खाने के बाद हम लोग आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर लंच करने के लिए आ रहे हैं, जहाँ हम लोग सुबह दिखाया था ना, वहाँ पर। सारा बफेट आइटम। यहाँ पर बहुत सारा खाने के लिए है, एक तरफ नॉन वेज खाना है, एक तरफ वेज खाना है। ये मैंने लाया है और आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अपने आप ही अपना खाना लेना है। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं, खाने के बाद हम लोग जाएंगे स्विमिंग रेन डांस और प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। देखिए होटल रूम, यहाँ पर रहने के लिए भी है और उस तरफ जाओगे तो प्राइवेट स्विमिंग पूल है।
भी कर लिया। अभी हम लोग यहाँ इस गार्डन के गार्डन में इस गार्डन में थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं। तो ये था एंड ऑफ आवर ब्लॉग, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अगले चैनल में देखेंगे।